क्या आपका बच्चा भी लंच बॉक्स फिनिश करके नहीं आता है? जिसके बच्चे 4 से 5 साल की रेंज में है, अच्छा है, खाने में नाटक करता है, या फिर जो भी आप उसको देते हैं वो उसको पसंद नहीं है, तो आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा। आपका बच्चा पूरी की पूरी लंच बॉक्स फिनिश करके आएगा, होने वाला नहीं है, फेवरेट है, और इसको आप बहुत ज्यादा हेल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं भी आज कुछ ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ। बात आती है उसके लंच बॉक्स की, तो मैं उसको ऐसी चीजें देती हूँ जो उसको पसंद भी हो, मैं उसको हेल्दी तरीके से प्रेजेंट करूं और वो पूरी लंच बॉक्स फिनिश करके आए। चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बॉल चाहिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, फूड कलर, वनीला एसेंस, आटा या मैदा और पिसी हुई चीनी या गुड़। तो मैं आज मैदा और आटा दोनों मिक्स करके बना रही हूँ, और मैं आज चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ डालने से कलर आपके रेसिपी का थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, बस यही होगा, टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि हमने वनीला एसेंस यूज़ किया है तो एसेंस का ही पूरा पूरा टेस्ट आता है। तो हमने इसमें आटा और मैदा आधा आधा मिक्स करके 1 कप ले लिया है, और उसी कप से हम ले लेंगे आधा कप के आसपास चीनी या फिर गुड़। तो चीनी मैंने पहले से पीस के रखी है, तो थोड़ा सा वो जम गई है, अभी वो जब मैं और चीज़ें ऐड करूँगी तो मेल्ट हो जाएगी। और 1/4 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, और 2 चम्मच लिया है मैंने मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, या कंडेंस मिल्क, दोनों में से आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही 1 चम्मच वनीला एसेंस और 3 से 4 बूंद मैंने फूड कलर लिया है, और ये है बेकिंग पाउडर जिसको 1 टेबल स्पून लेना है। ऊपर से कट करके, मतलब पहाड़ जैसा बना के नहीं लीजिएगा, जैसे मैंने हाथ से कट किया है वैसे कट करके 1 चम्मच। और ये है बेकिंग सोडा जो कि मैं 1/2 टीस्पून ले रही हूँ, और 1 चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं बटर, ये सॉल्टेड बटर है। इसके बाद आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप प्लेन बटर ले रहे हैं तो आधी चुटकी या 1 चुटकी उसमें नमक भी डाल सकते हैं, इससे सारे टेस्ट अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और रूम टेम्परेचर का हमें लेना है दूध, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बहुत हल्के हाथों से इसे हमें मिक्स करना है, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल दिया है, तो फुलाने के लिए हमें इसमें एयर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बस इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे छोटे छोटे बैचेस में, ताकि एक साथ डालने से इसमें लम्स ना पड़े। तो लम्स ख़त्म करने के लिए हमें अच्छे से इसको फेट लेना है, बहुत ज़्यादा मत करिएगा ओवर मिक्सिंग। फिर हम लेंगे एक तवा या कोई भी पैन आप ले सकते हैं, नॉन स्टिक रहना चाहिए, उसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। अब इसमें हमें किसी तरह का घी या बटर का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। तवा गर्म हो जाए तो 1 चम्मच सेट कर लीजिएगा, कोई भी, मतलब छोटा बड़ा जो भी, उसी से बनाइएगा, और एक भर करके लेना है उससे, और आपको डाल देना है पैन पे। इसे फैलाना बिल्कुल भी नहीं है, आप डाल देंगे ये अपने आप शेप ले लेगा। धीमी आंच पे इसे ढक के 30 सेकंड के लिए एक तरफ से पकाना है, और 30 सेकंड के लिए दूसरी तरफ से, मतलब कि 1 मिनट में ये आपका जो पैनकेक है वो बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा आप उठा के देखिए, ब्राउन हो चुका है, कोई घी बटर का इस्तेमाल नहीं करना है, और ये शुगर और मिल्क पाउडर कंडेंस मिल्क की वजह से काफ़ी अच्छा कैरमलाइज हो जाता है टेस्ट, मतलब दोनों तरफ से कैरमल का टेस्ट आता है इस पैनकेक में, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पूरा फ्लफी बना है, बहुत अच्छा स्पॉन्ज भी आया है इसमें। देखिए रेडी है हमारा पहला पैनकेक। इसी तरह से करके हम सारे पैनकेक्स बना लेंगे। सिर्फ हमें किसी चमचे से इसमें डाल देना है बैटर को, फैलाइएगा मत, वो अपने आप शेप ले लेता है जितना उसे लेना होता है, और उसको ढक करके बस हमें 1 मिनट के लिए, आधे आधे मिनट दोनों साइड हमें पका लेना है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ जाता है इसमें, और ये बच्चों को आप तो पहले से, मतलब ये शीट या पैनकेक आप पहले से बना के भी रख सकते हैं, 1 वीक तक इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है।
और कितना बढ़िया देखिए सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही मैंने सारे के सारे जितने भी पैनकेक्स से बना लिए थे, तो इतने मटेरियल में ना 5 बना था। आप कोशिश करिए कि 6 बने, ताकि मतलब इनको हम ज्वाइंट करते हैं ना सैंडविच की तरह, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना लिया इसलिए शायद 5 ही बन पाया। और कितना सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर कितनी बढ़िया जाली आई है इसमें। जैसे कि हम जो बड़ा वाला मतलब मेन बड़ा केक बनाते हैं वैसा ही स्पॉन्ज बनता है, इसमें जाली वैसे ही बनी है, एकदम सॉफ्ट और टेस्ट बहुत अच्छा आया था। मेरे बच्चे को तो बहुत पसंद है ये। हफ्ते में एक दिन उसके स्कूल में अलाउड है कि हम कुछ भी उसकी पसंद का दे सकते हैं, तो मैं ये ज़रूर बना के देती हूँ, क्योंकि ये जब भी वो ले जाता है पूरा फिनिश करके आता है। तो देखिए बना लीजिएगा। बनाने के बाद इसको हमें पूरी तरह से ठंडा कर लेना है, गरम में इसको आगे प्रोसीड मत करिएगा। तो ठंडा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप फैला के रख देंगे तो 5 मिनट में ये पूरी तरह से ठंडी भी हो जाती है। तो चलिए पहले उसको पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद इस पर आप बच्चों का फेवरेट जो भी हो, जैम लगा सकते हैं, चॉकलेट स्प्रेड लगा सकते हैं, या फिर कोई भी मीठी तीखी जैसी चटनी बच्चों को पसंद हो, अगर आप इस पर मीठा ऐड करते हैं तो भी चलेगा, आप इसमें मेयोनीज वगैरह या फिर चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं बच्चों को जो पसंद हो, या फिर व्हिप्ड क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, फ्रूट ऐड कर सकते हैं बीच में। तो मैं आपको आज फ्रूट और चॉकलेट स्प्रेड दिखा रही हूँ, तो मेरा बच्चा बनाना खाता है इसलिए मैं इसमें सिर्फ बनाना डालूंगी। आपका बच्चा जो भी फ्रूट खाता हो पतले पतले स्लाइसेस में, सॉफ्ट फ्रूट जो होते हैं उन्हें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बनाना स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं क्योंकि उसे और कोई फ्रूट पसंद ही नहीं है। उसके बाद हम इसे ऊपर से पैक कर देंगे और ये हमारा सैंडविच पैनकेक बन करके रेडी है। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत टेस्टी। अब क्या करेंगे, इसको हम कट कर लेंगे। खड़ा खड़ा तो थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि मुझे उसको लंच बॉक्स में देना है, तो मैं इसको थोड़ा कट करके दूंगी। और देखिए अंदर से कितना बढ़िया फ्रूट, चॉकलेट और केक, तीनों का बेस बहुत अच्छा बना है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा अपने बच्चों के लिए। आप इसको पहले भी बना के दे रख सकते हैं फ्रिज में, सुबह आप उनको लंच बॉक्स में दे दें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है 1 वीक तक। बस आप शीट बना के रख लीजिए, सुबह बच्चों के लिए उसको प्रिपेयर कर लीजिए चॉकलेट स्प्रेड लगा के। कैसी लगे आपको मेरी ये लंच बॉक्स की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चे ही नहीं, इसको तो बड़े भी बहुत मन से खाएंगे क्योंकि ये पूरा केक जैसा लगता है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्पॉन्ज बना है। इससे हम बड़ा वाला केक भी बना सकते हैं। मैं एक दिन ट्राई करूंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। अगर आपको ये रेसिपी बनाने में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा है, इधर आके अच्छा है, अच्छा है। और खाओगे? चलो फिनिश कर दो पूरा। ओके और बचे हुए शीट को आप रैप करके बटर पेपर में या फिर किसी भी टिश्यू वगैरह में आप फ्रिज में स्टोर करके 1 वीक तक रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना हो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए मेयोनीज, व्हिप्ड क्रीम, चॉकलेट स्प्रेड या फिर जैम के साथ और एंजॉय करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय, बाय बाय।